नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ Realme 6i में रिंगटोन कैसे सेट करें या कस्टम रिंगटोन कैसे सेट करें। कस्टम रिंगटोन का मतलब होता है कि आप अपने फ़ोन में रिंगटोन के लिए कोई गाना सेट कैसे करें। जैसे कि आपके मोबाइल पे कोई कॉल आती है तो आपको अपनी पसंद का गाना बजता हुआ सुनाई देगा। तो रिंगटोन सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। आप इसको क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपका ये वाला रिंगटोन सेलेक्ट हो रखा है। तो आप यहाँ पे बजा के देख सकते हैं, आप अपनी पसंद का कोई सा भी रिंगटोन सुन के देख लेंगे, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कस्टम रिंगटोन का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी डाउनलोडेड गाने होंगे और आपके फाइल में जितने होंगे मेमोरी कार्ड वगैरह में, वो सब यहाँ पे शो करेंगे। लेकिन अभी मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं है, इस वजह से गाने यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई सा भी गाना यहाँ पे जो शो करेगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैक कर देंगे तो आपका कस्टम रिंगटोन यहाँ पे सेट हो जाएगा, जो आप अपनी पसंद का लगाना चाहते हैं वो वाला। और इसके बाद आप बैक कर देंगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिंगटोन की वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे आप अपनी रिंगटोन की जो वॉल्यूम है इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं कि आपको कितना वॉल्यूम सुनाई देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने इसको इतने पे रख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, यानी कि जब आपकी इनकमिंग कॉल आती है और आपके फ़ोन पे कोई गाना बजता है इनकमिंग कॉल का, तो आपका फ़ोन उस टाइम पे वाइब्रेशन भी करेगा और रिंगटोन भी बजेगी साथ साथ में। तो इस तरह से आप अपनी पसंद का कोई सा भी गाना लगा सकते हैं अपनी रिंगटोन में और अपने फ़ोन का रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं। और आपको पसंद नहीं आ रहा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो थी गाइज रिंगटोन पे वीडियो। और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइज मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।